तो अभी इस वीडियो में हम 23 का डिवाइड कैसे करें, तो ये इसको लिखेंगे जिसका डिवाइड करना डिवाइड के चिन्ह के बाद, जिसमें करना उसको डिवाइड के चिन्ह के पहले लिखते हैं। या कभी कभार ये आपको ऐसे भिन्न के रूप में दिया हुआ भी मिल सकता है। सुरेंद्र के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। 23 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। दो अंक की संख्या दो अंक के साथ तुलना करो, क्या ये 23 से बड़ा है, नहीं। अगला अंक शामिल कर लो, अब बड़ा है, यस। अब हम 23 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, 112 से बड़ा नहीं है, लगाओ दिमाग। तो हमने 23 को गुणा किया किससे, 5 से, 5 3 15, 1 चला गया 10 और 11, ये तो 112 से बड़ा है। 5 को लेने पर तो हम किसको ले लेते हैं, 4 को। 4 को लेने पर कितना आ रहा है, 4 3 12, 8 और 1 9, ठीक है। फिर हमने घटा दिया, अब क्या करें। ट्वेंटी आ रहा है, सॉरी। अब क्या करें आगे डिवाइड करने के लिए, यहाँ कोई भी अंक नहीं है तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। अब हमने 23 को कौन सी संख्या से गुणा करें, 23 से बड़ा नहीं है, लगाओ दिमाग। तो हमने लगाया दिमाग कि इसको जब हम 9 से गुणा करते हैं, 9 3 27, 2 क्रिया गया 18 और 2 20, यह तो इससे बड़ा है। लेकिन 8 से गुणा करते हैं, 3 8 24, 2 क्रिया गया 16 और 2 18, ये मामला बैठ गया। फिर हमने इसको घटा दिया, कितना गया, 6 और 1, पॉइंट लगा रखा है, 0 आ जाएगा। फिर आगे ऐसे डिवाइड चलता रहेगा, ये आपका भागफल है, इसके इक्वल टू में हम अपना भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से एक छोटा सा डिवाइड करना हमने सीखा।